घटना घटी वो थोड़ा सा बताएंगे। देवास भर्ती में ये इन्होंने क्लियर कर चुके थे और इस बार की जो भर्ती के अंदर वो बिल्कुल बाउंड्री पे, मतलब ये समझ लीजिए कि रस्से के ऊपर आप बाहर हुए हैं, तो इनका अपना ओपिनियन लेना चाहते हैं कि कैसा क्या रहा अंदर इनका। सर जो जैसे दौड़ने लगे ना सर, उसके बाद में दौड़ने लगे और तीन बंदे सर ऐसे गिर गए, उनको क्रॉस कर करके करते सर गए, पूरे चार राउंड लगाए गए ऐसे ऐसे फौजी ने रस्सी खींचती और रस्सी ने फेंक दिया फौजी ने। तो आपके आगे कितने बच्चे थे? उसके सर 19 से 20। हाँ सर। और फाइल लगभग कितने की थी? वो 350-400 की। 300-400 की फाइल थी, है ना? तो आपका कितने बच्चे? 19 से 20 बच्चे। हाँ 19 से 20। आप देख सकते हैं कि पहली भर्ती जो पहले बच्चा पास था और इस लंबे अंतराल में एक लंबा अंतर पड़ा, उसमें ये एग्ज़ाम के लिए बैठे हुए थे, एग्ज़ाम चूँकि हो नहीं पाया और अब इस बार भर्ती के अंदर ये समस्या आई इनके सामने। हमारे सामने एक और बालक है मनीष। आप बताएं मनीष कैसा? जी सर, अंदर हाँ अंदर गए थे सर, लगभग वहाँ पे बच्चे उनने बिठा रखे थे, उसके बाद में उन्होंने गो बोला, गो बोलने के बाद में एकदम से चले, तो कम से कम 400 बच्चे के लगभग थे वहाँ पे। तो जब राउंड चल रहे, मनीष मैं पूछना चाह रहा था कि गो बोलने से पहले क्या वो बातचीत करते रहते हैं क्या? हाँ फोटो खींचे थे, बातचीत भी की थी सर, उन्होंने बोलते रहे वो के गो बोल दिया सर, उसके बाद पता नहीं लगा सर। हाँ तो ये एक बड़ी इशू है, बच्चे को एक थोड़ा सा वो उसमें घुमा के रखते हैं और उनको हल्का सा भी गो बोलने पर आपको उनका ध्यान रखना। बोला ही नहीं था कि हम फोटो खींच रहे हैं, गो तो बोला ही नहीं, वो फोटो खींच रहे हैं लड़के, मतलब भागने लगे, उसके बाद बोल दिया भाग जाओ ऐसा कर। अच्छा उन्होंने रोका नहीं, मतलब कहने मतलब एक बार जब वो हो गया तो मतलब निकल ही गए थे। कई बार ये कैंसिल भी हुआ है पिछली भर्ती में। जी सर, देवास भर्ती में अब कैंसिल कर दिया था। एक फाइल पूरी तकरीबन 400 का एक राउंड लेने तक उनको बोल दिया गया कि डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस बार ऐसा हमारी फाइल में नहीं होगा। तैयार रहना है कि मतलब आपका माइंडली प्रिपरेशन आपका बहुत ज़रूरी है, रात भर आप जगते हैं, थकान होती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि भर्ती देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका माइंड का भी बहुत कंसेप्ट है। आपका माइंड अगर स्थिर नहीं है तो आप वहाँ कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको अगली बार के लिए आपको शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप और लंबी थोड़ी तैयारी करें, क्योंकि जो समय गया उसको तो हम ला नहीं सकते, आने वाले समय को ठीक किया जा सकता है। ऑल द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं।